दोस्तों, सिला हुआ शॉर्ट मेजरमेंट लेकर किस तरीके से कटिंग किया जाता है, तो आज के इस वीडियो में सीखोगे शॉर्ट को जो है मेजरमेंट लेकर और कटिंग। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो आप लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा रहा। ये देखिए, ये आपका जो कॉलर का पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से इंची टेप को इस तरीके से रखना है और बिल्कुल लास्ट नीचे तक जाना है। ये देखिए, इसका जो लेंथ है 29 इंच है, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद इसका बॉडी को हम मेजरमेंट करेंगे कि इसका बॉडी कितना है, फिटिंग हो या लूज शॉर्ट हो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से इस पल्ला को हम पूरा फुल मेजरमेंट करेंगे, इसका कटिंग भी हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए, ये है आपका कंप्लीट 12 है, इसको भी इस तरीके से मेजरमेंट करके देखेंगे, यहाँ से भी 12 है, यानी कि ये जो टोटल पल्ला है वो 12 इंच का है। ओके, तो ये देखिए, इसके बाद आते हैं तीरा, तीरा देखते हैं कितना है। ये देखिए, ये जो तीरा है दोस्त, ये 19.5 इंच है। इसके बाद देखते हैं स्लीव्स, स्लीव्स जो है ये देखिए 25 है। इसके बाद देखते हैं कॉलर, ये देखिए कॉलर जो है 15.5 इंच है, 15 चलेगा। इसके बाद देखते हैं ये कफ कितना है, ये कफ जो है 9 इंच है। अब चलिए हम आपको कटिंग दिखाते हैं। ये देखिए, इधर से जो है हम 2 इंची का मार्का लगाएंगे, इधर से काज पट्टी और बटन पट्टी लगती है, और ये देखिए इधर से स्ट्रेट एक मार्का लगाएंगे, उसके बाद जो है यहाँ से स्ट्रेट मार्का लगा लेंगे 0.5 इंची छोड़कर, और ये 2 इंची का एक मार्का लगा लेंगे। तो ये रहा मेरा स्केल, इसके द्वारा बिल्कुल कंप्लीट सीधा निशान लगता है। सबसे पहले ऊपर का ये निशान लगाते हैं, और ये देखिए साथ साथ ये मेरा निशान कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, इधर से ये वाला निशान इधर से लगा लेंगे। ये एल स्केल लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हो। इसके बाद आ गया ये देखिए 2 इंची जो हमने मार्का लगाया है, इससे ये फास्ट कटिंग करने के लिए एल स्केल आता है, सीधा निशान लगाने के लिए, इससे आप जल्दबाजी में निशान लगा पाओगे। इसके बाद ये देखिए लेंथ, लंबाई का मार्का लगाएंगे, तो इसका जो लेंथ है दोस्त वो है 29 इंच। तो ये देखिए 29 पे इस तरीके से मार्का लगा लेना है, और एक 1.25 इंची का मार्का लगाना है। ये 1.5 इंची आपका फोल्ड होगा नीचे से चाइनीज। इसके बाद आते हैं इसका चेस्ट, ठीक है। तो इसका चेस्ट जो है दोस्त 12 इंच है, तो इसमें जो लूजिंग मिला होगा वो 2 इंची होगा या 2.5 इंची होगा। तो चलिए, ये मेरे पास बना हुआ नहीं है, मैं 2 इंची लूजिंग देता हूँ, तो 10 ही मानता हूँ, ठीक है। ये 10 हुआ, तो इसका बॉडी जो होगा 40 होगा, परफेक्ट 40 नहीं तो 38 होगा। तो ये देखिए 10, इसमें 0.5 इंची हम ऊपर कर लेते हैं, यानी कि 9.5 में इस तरीके से मार्का लगा देते हैं, परफेक्ट। यही 9.5 से हम स्लीव्स भी कटिंग कर लेंगे। अब इस हर मार्का को सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, इस मार्का को इस तरीके से यहाँ से इधर से बराबर करेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद ये भी कंप्लीट कर लेंगे, इधर से जो इतना छोटा हो रहा है इसको भी हम कंप्लीट इधर से कर लेते हैं। अब देखिए, अब आते हैं तीरा, कि तीरा इसका कितना है। तीरा 19.5 है, तो ये देखिए 10.25 पे इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और ये मार्का लगा देंगे, और ये सिलाई का मार्जिन 0.5 इंची दे देंगे। इसके बाद आते हैं चेस्ट पे, तो चेस्ट जो है इसका कंप्लीट 12 था, तो ये देखिए 12 पे इस तरीके से हमने मार्का लगा दिया। इसके बाद आते हैं ये नीचा, तो यहाँ भी 12 इंच का इस तरीके से मार्का लगा देंगे, और ये देखिए यहाँ से इसको इस तरीके से सीधा निशान भी देंगे 12 पे। ओके, इसके बाद आते हैं कॉलर, कॉलर जो है 15 है, तो 15 में 5 से भाग देंगे, 3 आएगा, तो 3 में से 0.5 इंच इधर से हम कम कर लेंगे, क्योंकि फिक्स हालर नहीं करना चाहिए, आप सभी को पता है। ये देखिए, अब यहाँ से आप इस तरीके से इसको इस तरीके से मिलाओगे तो ये कंप्लीट ये आ जाएगा। ये देखिए, ये नाखून जो है यहाँ और ये हालर के पास ऐसे जाएगा कंप्लीट,
और ये देखिए ये ऑटोमेटिक इस तरीके से मार्का लग जाएगा। अगर इस तरीके से मार्का नहीं लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप 3 इंची 3.5 इंची पे इस तरीके से मार्क लगाकर लगा सकते हो। ओके, अब यहाँ से इसको हम राउंड कर लेंगे और यहाँ से हम ऊपर की तरफ एक चाइनीज राउंड करेंगे 1.5 इंची 2 इंची का। परफेक्ट, और इसको इस तरीके से मार्का लगा देंगे। ये देखिए ये जो है मार्का मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो रहा है, जब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले इसी तरीके का वीडियोस देखने और सीखने के लिए। ये बैगी शॉर्ट कटिंग है, काफ़ी आसान तरीके से हमने आपको शॉर्ट का ही नापी लेकर बनाना बता दिए, काफ़ी आसान ट्रिक है। अब इसके बाद बैक पल्ला हम कटिंग करेंगे, जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें। शेयर उन लोगों के पास करें जो लेडीज़ काम करते हैं या लेडीज़ टेलर हैं या दर्जी हैं, उनको प्रॉपर तरीके से कटिंग नहीं आती है, तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। चलिए हम बैक पल्ला कटिंग करते हैं। ये देखिए ये जो है हमने इसको फोल्ड कर लिया और इसको अब क्या करेंगे कि इस तरीके से रखेंगे और इधर से 1/2 इंच इस तरीके से माइनस कर लेंगे। और देखिए इसको इस तरीके से हम एक मार्का लगा देंगे इसी मार्का के ऊपर, और ये जो है इधर को आया है, ये देख रहे हैं, ठीक है, ये 1/2 इंच इधर को आया है। अब ऊपर से इसको एक मार्का लगाएंगे। ये देखिए इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से 1/2 इंच आगे को बढ़ाकर ये मार्का लगा देंगे। ये जितना इधर को आएगा उतना ही इधर मार्का लगा देंगे, या यहाँ से लेकर यहाँ जितना है ना यहाँ से यहाँ तक लगा देंगे सेम उतना ही, ठीक है। इसके बाद ये देखिए यहाँ से अगर इस तरीके से कटिंग किए हैं तो यहाँ से मेजरमेंट करेंगे ये 1.5 इंची का और इसको यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे और यहाँ से इसको राउंड कर देंगे। अब इसको भी कटिंग कर लेते हैं, इधर से भी सेम बराबर कटिंग कर लेंगे और इसके बाद इसमें से 2 सूत निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको हम कटिंग कर लेते हैं फिलहाल, जब तक इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो दोस्त तो सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल से आप जुड़ जाएँ इसी तरीके के वीडियोज़ देखने के लिए और इससे भी बेस्ट बेस्ट आपको वीडियोस मिलेगी देखने को। और इधर से इस तरीके से कटिंग कर लें, ये देखिए, ठीक है। अब इसको हम साइड करते हैं, फिर जो है कटिंग करते हैं तीरा, इसको हम साइड करते हैं फिर जो हम कटिंग करेंगे वो करेंगे स्लीव्स यानी कि बाजू को। इसको जो है इस तरीके से फोल्ड करेंगे जितना हमने आर्म होल लटक दिया है उतना ही, देखिए 9.5 दिया है ना, तो ये 9.5 आ गया कंप्लीट। सबसे पहले ऊपर से क्या करेंगे कि एक सीधा मार्का लगाएंगे, इसके बाद इसमें हम 4 इंची नीचे को डाउन करेंगे स्लीव्स में। इसके बाद इसका लेंथ ये देखिए 25 है तो 25 पर रखें और यहाँ से 1/4 इंच माइनस कर लेंगे, सिलाई और कफ लगाकर कंप्लीट आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। इसमें जो कफ लगेगा 9 लगेगा, 9 लिख दिए और यहाँ से 9 पे हमने मार्क लगाया 4.5। इसके बाद ये देखिए टेकिन इसमें जो पड़ेगा वो 1/2 इंच पड़ेगा, 1/2 इंच 1/4 इंच, तो ये हमने 5 का मार्का लगा दिया, 1/4 इंच इसमें टेकिंग दे देंगे। इसके बाद ये जो मार्का हम लगाएंगे 9.5 का,
लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ से इसको इस तरीके से इसको मरका लगाएंगे, और इसमें अगर आपको पूरा झोल देना है, ढीला देना है, तो इस तरीके से मरका लगा देंगे, डॉट डॉट हम बता दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें हल्का शेप चाहिए, तो ये लेग फंटी है ना, लेग फंटी से इस तरीके से मरका लगा देंगे, तो ये झोल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, हल्का शेप टाइप हो जाएगा। और फिटिंग में इस वाली स्केल से कटिंग करते हैं, और ये स्केल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप ले सकते हो डायरेक्टली, तो एक बार चेक जाकर ज़रूर करें, और इसमें सिलाई के मार्जिन देकर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से अब इसको इस तरीके से डाउन कर लेंगे। अब इसमें कट लगाएंगे, जो चाक पट्टी का कट लगता है, तो इसको इस तरीके से रखेंगे, और जिधर को ये कम रहता है ना, ये आगे को जाता है, उधर चाक पट्टी नहीं कट होता है, बैक साइड होता है, ये देखिए। ठीक है, तो इसको कटिंग करने के लिए यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और सिलाई का मार्जिन लगभग 1 इंच आगे निकाल कर इस तरीके से डॉट डॉट ये मार्का लगा लेते हैं। इसके बाद ये देखिए, यहाँ से 6 इंची का एक मार्का लगा लेंगे, और इतना हम चीरा लगा देंगे। कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम कटिंग करेंगे तीरा। तीरा कटिंग करने के लिए हम यहां से सीधा कर लेते हैं फैब्रिक को, इसको यहां से फोल्ड करेंगे, और इसका जो लेंथ है वो 19.5 है, तो ये देखिए यहाँ से इसको ऐसे बढ़ाएंगे, और ये देखिए यहाँ से 19 आ जा रहा है, 9.5, 200 बाद ये 19.5 हो गया। ठीक है, और इसमें मार्जिन हमने 1/2 इंची दे दिया। इसके बाद हाइट जो है, 8वां भाग हाइट होता है चेस्ट का, 40 है, तो ये देखिए लगभग में हम इसको 5.5 हाइट दे दे रहे हैं, यहाँ से 1.5 इंच डाउन कर रहे हैं हालर को, यहाँ से 3.75 हिस्सा आ रहा है, कॉलर जो है बिल्कुल 3 है, 5 भाग देंगे तो 3 आएगा, बट 2 सूत हम कम किए हैं। ठीक है, क्योंकि सिलाई जो होता है ना इसमें, तो वो फिक्स 3 हो जाएगा, और जितना कम होगा तो वो हम उसमें से क्या करते हैं, छांट लेते हैं, फ्रंट पल्ला में से छांट आता है लगाते के समय। परफेक्ट, और यहाँ से देखिए 5.5 को रखे, और उसमें जो है हम डाउन किए हैं 2 इंची शोल्डर को, तो इसमें 2 सूत कम करेंगे, 1.25 कर देंगे, परफेक्ट आ जाएगा। अब इसको भी कटिंग कर लेते हैं, काफ़ी बेस्ट फॉर्मूला है, इसी तरीके से आप कटिंग करें। ये देखिए, दोस्तों देखिए कितना आसान है सिला हुआ शॉर्ट को मेजरमेंट लेकर कटिंग सीखना। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं उम्मीद है बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा आप सभी को, और आप सब सीख गए होंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग हमेशा हैप्पी रहा करो, खुश रहा करो।